ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सही और असली कहानी है जिसको हमने आपको दिखाकर समाज को नशा मुक्त और खुशहाल बनाने के लिए नाटक की रूपांतरण किया है। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और अपने दोस्त को बताता है, तो उसका दोस्त रंगा उससे बोलता है, भाई तेरे को सिकनेस हो रही है जो तूने आज नशा नहीं किया है। और इसी बात का उसके दोस्त रंगा को इंतजार होता है। अब विवेक को ड्रग्स की डिपेंडेंसी हो गई। विवेक रंगा से बोलता है, तो भाई आओ यार कुछ करा दो, बड़ी दिक्कत हो रही है। रंगा, भाई यार तू तो मेरी जान मुफ्त की फिनाइल हो गया है, मेरी जान नशा करना है मेरे भाई तो पैसा तो फूकना ही पड़ेगा ना। विवेक, ठीक है भाई मैं करता हूँ इंतजाम, तू जल्दी रूम पे आ। देर बाद विवेक पैसों का इंतजाम करता है, उसके दोस्त आते हैं, उससे पैसा लेके उसे नशा कराते हैं। और उस दिन से विवेक की यूजिंग बढ़ जाती है, वो दिन के हिसाब से और ज्यादा नशा करने लगता है। अपने घर से वो कभी असाइनमेंट के लिए, कभी कोचिंग, कभी अपनी डेली नीड्स के लिए और कोई बहाना बनाकर रुपये मांगता। धीरे धीरे उसकी यूजिंग और ज्यादा बढ़ती रही, ना ही सोने का होश ना खाने का, उसके शरीर में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। एक दिन उसके दोस्त बिल्ला और जॉनी गद्दार को पुलिस पकड़ ले जाती है, वो नशा करने के धंधे की वजह से अंदर हो जाते हैं। पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम नशे का धंधा करने की वजह से बेटा आप सीधे जेल जाओगे। जॉनी गद्दार, अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और उन्हें पुलिस उठा के ले जाती है। और उसके कुछ हफ्ते बाद उसका दोस्त रंगा की ओवरडोज से मौत हो जाती है। अब विवेक एकदम अकेले था, वो अपने रूम में अकेले बैठ के नशा करता, वो बहुत कमजोर हो गया था। कॉलेज में फीस ना बढ़ने की वजह से और डिबार्ड होने की वजह से उसकी फैकल्टी ने उसके घर पे कॉल करके सब बता दिया कि ना उनका बेटा कॉलेज आ रहा है ना वो फीस भर रहा है। उसके घर पे सब पता चल जाता है, उसके फादर उसे कॉल करते हैं, पापा बेटा तू ना कॉलेज जा रहा है ना तूने फीस भरी, जितने भी पैसे तूने मंगवाए तूने सब नशे में उड़ा दिए, तुझे घर की स्थिति का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, तू अभी भी नशे में है। विवेक, नहीं पापा मैं नशा वगैरह कुछ नहीं कर रहा। उसके पापा उसकी एक नहीं सुनते, पापा मुझे कुछ नहीं पता तू सीधा घर आ, मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं तुझे एक रुपये नहीं भेजूंगा, मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई डिग्री। विवेक का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो वहां से अपना सब बैग वगैरह पैक करके घर चला जाता है। घर जाने के एक दिन बाद ही उसे सुबह क्रेविंग होने लगती है, उसे फिर से बॉडी पेन, वॉमिट और दर्द जुकाम होने लगता है। उसके कुछ घंटे बाद ही उसे फिट्स पड़ जाते हैं। उसके पापा डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसे क्या हुआ है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि उसे ड्रग्स ना लेने की वजह से विड्रॉल्स पड़े हैं कि और उसे अब ड्रग्स की डिपेंडेंसी हो गई है। वहां से उसके फादर को साई कृपा फाउंडेशन का मैसेज मिलता है। उन्हें पता चलता है कि साई कृपा फाउंडेशन काफी एडिक्ट को सही कर चुकी है, जहां से काफी एडिक्ट सही हुए हैं और आज एक नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। वो टाइम ना खराब करते हुए विवेक को वहां एडमिट करा देते हैं। विवेक रिहैब में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके जैसे कई और भाई है जो एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित है। उसे पता चलता है कि एडिक्शन एक बीमारी है जिसका एक संभव इलाज है, जो एक दिन के हिसाब से नशा ना करके रोका जा सकता है। कुछ दिनों विवेक विड्रॉल से जूझता है, उसे बॉडी पेन, वॉमिट, दर्द, हेलोसिनेशन होते हैं। जहां उसके साथ के उसके जैसे एडिक्ट जो अब सही है वो उसकी हेल्प करते हैं। काउंसलिंग थेरेपी से उसको नशे से हुई समस्या और उसकी की गई गलतियों को रियलाइज करवाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि नशे के बिना लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। शेयरिंग सेशन की मदद से वो अपने गिल्ट्स दूर करता है और दूसरों की शेयरिंग सुनकर उनके एक्सपीरियंस सुनता है।
उसका इलाज पूरा होने के बाद वो वापस अपनी बाहर की दुनिया में एक अच्छी सोच विचार और दिनचर्या के साथ जाता है। वो जब बाहर निकलता था तो उसे लोग खुद अपने पास बुलाते, उससे मिलते, सभी से वो अच्छे आचरण के साथ मिलता। उसे बाहर जाके दिख गया था कि नशा छोड़ के भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। उसे एक दिन उसके पुराने नशेबाज दोस्त मिलते हैं, उसे वो नशा ऑफर करते हैं, जहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो नशा कर ले और अपनी मेहनत और जीवन को पानी में बर्बाद कर दे, या फिर वो उन्हें इग्नोर करके उसी राह पे चलते रहे जिस राह पे वो चल के एक अच्छा जीवन जी रहा है। और विवेक को अपने काउंसलर की बात याद आती है और वो उनको मना करके अपना जीवन चुनता है। अब विवेक एक अच्छा और नशा मुक्त जीवन जी रहा है। ये कहानी का मकसद समाज को नशे से दूर रखना है। नशा एक बीमारी है जो किसी को भी तहस नहस कर सकती है। हमारी संस्था साई कृपा फाउंडेशन, जो हर एडिक्ट्स की मदद के लिए जो नशे की समस्या से परेशान है और इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए काम करती है। इस पूरे नाटक में हमने किसी भी नशे को करने की सलाह या बढ़ावा नहीं दिया है।